तो गाइज यार, जब भी दो ठंडी और गर्म चीजें मिलती है तो होता है बहुत बड़ा धमाका। और पिछले वीडियो के अंदर धमाका काफी कम हुआ था, लेकिन आज एक बार फिर हम गर्म और ठंडी चीजों को आपस में टकराने वाले हैं। और उस टक्कर का नतीजा क्या निकलता है ये वीडियो के लास्ट में पता चलेगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। इधर हमारे पास जो ऑयल है वो गर्म हो रहा है और दूसरी तरफ हमारे पास है एक बड़ी सारी दुनिया की सबसे बड़ी आइसक्रीम। हम गर्मा गर्म तेल के अंदर बर्फ वाली वो आइसक्रीम डाल देंगे और फिर देखते हैं कि यार कितना बड़ा धमाका होता है और कितना मजा आता है। तो फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइस देख लिया आपने यार, दुनिया की सबसे बड़ी आइसक्रीम को हमने जमा दिया है, बड़ी आइसक्रीम है और दूसरी तरफ है गर्मा गर्म ऑयल। तो जब भी दोनों गर्म और ठंडी चीज़ें मिलती है तो होता है खतरनाक घमासान। तो हम तेल को बहुत ज़्यादा इसकी हद पार कर जाए उतना गर्म कर देंगे और उसके अंदर डालेंगे दुनिया की सबसे बड़ी आइसक्रीम और फिर देखते हैं कितना यार मज़ा आता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को यार सब्सक्राइब आप नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो मुझे नहीं पता, तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। और अब हम तैयारी करते हैं इसको अंदर डालने की। तो दोस्तों सब कुछ हमने रेडी कर दिया है, फटाफट आप इधर देख सकते हैं आइसक्रीम को हमने कुछ इस प्रकार बांधा है कि ये पोल पर लटकी रहे और ढक्कन को हम इस रस्सी की मदद से हटाएंगे। हटाते ही ये आइसक्रीम इस गर्मा गर्म तेल के अंदर जाएगी और मिलन हो जाएगा दो ठंडी और गर्म चीज़ों का। उसके बाद देखते हैं यार क्या होता है। तो फटाफट इसको ऊपर लटकाते हैं और आप वेट कीजिए इन दोनों के मिलने का। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वन टू थ्री। तो गाइस यार आपने देखा, जैसे ही बिल्कुल ठंडा बर्फ है जो गर्म तेल के अंदर गया तो काफ़ी सारा अचानक धुआं निकलने लगा और काफ़ी तेज़ आवाज़ें आई। हालांकि आग तो इसमें नहीं लगी, हमने सोचा था कि आग लग जाएगी, लेकिन यार बड़ी आइसक्रीम ने धमाका अच्छा किया। तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान।